कलर डिसीजन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी फॉर एनडीए। 10 मिनट अगर आप देते हैं तो 10 मिनट के अंदर आपका सिलेक्शन 100% होगा। प्रत्येक वीडियो के लिए आपको 10 मिनट या 15 मिनट आपको रोज देना है, आपका एनडीए में 100% सिलेक्शन होगा, मैंने आपसे वादा किया है। आज आगे का टॉपिक है जो 100% आपके एनडीए के हिसाब से 100% आप इन क्वेश्चंस को करिए, आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने आपको बताया था जी एडवांस जी मेंस एनडीए 100% सिलेक्शन पार्ट एक, इंटीग्रल कैलकुलेशन पार्ट टू, न्यू क्वेश्चंस इसके अंदर हैं जो आपकी 12th बोर्ड की बुक के अंदर नहीं है, ये अलग से आपको देखने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज कवर की है मैंने। फर्स्ट वीडियो में आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डाले थे 32, आज 33 आपके पास है। कौन सा 33? तो देखिए आप अपनी कॉपी में नोट करिए, 100% सितंबर से पहले आपका पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। बस शर्त है कि आप इनको पढ़ें और कमेंट्स बोर्ड में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो डालिए, वो चीज आपको मिलेगी। तो देखिए सेकेक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेकेक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, दूसरा लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी। इसके दो फॉर्मूले आपके पास होंगे, आप अपनी कॉपी में नोट करिए सभी। सेकेक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेकेक्स प्लस टेन एक्स लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी। 34 आपके पास 34 है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस या लॉग 10 एक्स बाय 2 प्लस सी। ये दो आंसर आपको याद करने हैं, कोई सा भी आपको दे सकता है। 35 डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके भी दो फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है, जीरो को छोड़कर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर आपके पास हो सकता है। रियल नंबर है तो पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो आपके पास अगर ऐसा है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी माइनस कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 36 के भी दो फॉर्मूले हैं, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी या कोस। अब देखो ये नई चीज है, आपके 12th बोर्ड में नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको, मैं बराबर आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीजें कवर्ड है सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके पास पेपर के अकॉर्डिंग। तो कोस हाई पेराबोलिक इसको बोलते हैं, हाई पेराबोलिक जो आईटा के फॉर्म में आता है उसको हाई पेराबोलिक बोला जाता है। तो कोस हाई पेराबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट 37 है, डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी या माइनस का 1 अपॉन ए कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट 38 है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सबके अंदर क्या है, ए बिलोंग्स टू आर जीरो है, जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर आपके पास आ सकते हैं। 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी या माइनस 1 अपॉन ए कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट 39 है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। नेक्स्ट इसका सेकेंड फॉर्मूला है साइन हाई पैराबोलिक, जबकि माइनस आता है तो कोस में होता है और प्लस है तो साइन हाई पैराबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट 14 है, 40वां है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है एक 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। 41 है, लॉग एक्स, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी या एक्स लॉग मोड एक्स अपॉन ई प्लस सी भी लिख सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन के अंदर कोई सा भी फॉर्मूला आपको दे सकता है, कैसे आया एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 बचेगा, 1 को ई लिखेंगे तो इस तरह से आपके पास ही आएगा एक्स लॉग एक्स अपॉन ई प्लस सी। आप कितनी बुक के अंदर ढूंढ लेना, आपको मिल जाए तो मुझे बता देना, इतना पावर दे रहा हूं आपको, आप करिए तो सही इनको। तो अंडर रूट नहीं, नेक्स्ट फॉर्मूला है 42 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यह सेकंड फॉर्मूला है, एक्स बटे हुए दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू कोस आई पैराबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट 43 आपके पास है, क्या है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट 40 इसी के अंदर दो फॉर्मूले हैं, एक साइन है पैराबोलिक में, क्या है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन है पैराबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये हो गया 43 आपके पास। 44 में है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, या एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब हाइपरबोलिक में ये नए फॉर्मूले हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, कहीं बुक में नहीं दे रखा है, जी मेंस में नहीं आता, बोलो ताजे की बात हुई, ये किसमें आते हैं एनडीए के अंदर आते हैं, तो एक स्पेशल कंडीशन है, देखो अपना अपना लुक है तो थोड़ा सा चेंजेस है। तो क्या साइन आई पैराबोलिक एक्स का कोस आई पैराबोलिक एक्स, कोस आई पैराबोलिक एक्स का साइन आई पैराबोलिक एक्स प्लस सी, सेक आई पैराबोलिक स्क्वायर एक्स का टेन आई पैराबोलिक एक्स प्लस सी, कोसेक आई पैराबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस कोट आई पैराबोलिक एक्स प्लस सी, सेक अति पैराबोलिक एक्स हाई पैराबोलिक एक्स कोस ये टेन आई पैराबोलिक एक्स बराबर माइनस सेक आई पैराबोलिक एक्स प्लस सी, कोसेक आई पैराबोलिक एक्स कोट आई पैराबोलिक एक्स बराबर माइनस कोसे हाई पैराबोलिक एक्स प्लस सी। ये 50 फॉर्मूले आपके पास हो गए और करीबन अप्रोक्सीमेट 15-16 फॉर्मूले और हैं, तो आपको ये आज के 10 मिनट के अंदर आपको ये 50 फॉर्मूले लिखकर आपको याद करने हैं। आप 10 मिनट तो इनको दीजिए, आपका 10 मिनट के अंदर सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा। पहले वाले जितने भी मॉक टेस्ट पेपर आपको डाल रखे हैं उस मॉक टेस्ट पेपर को करिए, आप किसी नेगेटिव आदमी से नहीं मिलिए, 100% आपका सिलेक्शन करा के मानूंगा। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं जिन्होंने बच्चों ने ये सवाल किया है और कर रहे हैं, इसीलिए आप 50 ये फॉर्मूले हो गए, 15 और करीबन है, अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में आपको डालूंगा, आप इनको लिखें और आज इतना याद करें।